14th क्वेश्चन, स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, स्टोन जो है उसको एक स्ट्रिंग जैसी स्ट्रिंग आपकी इसके साथ टाई कर दिया है जिसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर इस स्ट्रिंग की, इज वेल्ड इन ए ओरिजेंटल सर्कल, उसको ओरिजेंटल सर्कल में ऐसे क्या करें घुमाया गया है इसको, विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड, एक कॉन्स्टेंट स्पीड से, इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, 25 सेकेंड में स्टोन जो क्या कर रहा है 14 रिवोल्यूशन उसके अंदर आ रहे हैं, वट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी स्टोन की। अब क्योंकि सर्कल में घूम रहा है स्टोन आपका ये, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा टुवार्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या टुवार्ड्स द सेंटर की तरफ होगा एक्सेलरेशन, और उसको निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर निकालने के लिए देखिए स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे इसको आपके रिवोल्यूशन कितने 14 रिवोल्यूशन जो है इन 14, पहले हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, इन 14 रिवोल्यूशंस जो आपका टाइम कितना लग रहा है आपका 25 सेकंड, और वन रिवोल्यूशन में टाइम क्या लगेगा आपका, वन रिवोल्यूशन में क्या हो जाएगा 25/14 सेकंड, और ये आपका क्या हो जाएगा टाइम पीरियड हो जाएगा, एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25/14 सेकेंड हो जाएगा, ये आपका टाइम पीरियड है। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा इस सर्कल का, रेडियस वही होगा जो स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है आपकी 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर का आपका क्या बन जाएगा 0.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब पहले निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी सर्कल में घूम रहा है तो वेलोसिटी कौन सी होगी यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है आपकी ओमेगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका आपका 2π/T, और 2π यानी कि 2 × 22/7, और टी टाइम पीरियड कितना आपका 25/14, इसको लिख लें 2 × 22/7, और उसको पलट देंगे हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 7 × 14, और ये आज आपका 88/25 रेडियन पर सेकेंड, ये आई आपकी एंगुलर वेलोसिटी। हमें तो क्या चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालना हमने तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बल्कि एक्सेलरेशन सी लिख दिया नीचे, और उसका फॉर्मूला होता आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा किसके इक्वल निकाला हमने 88/25 का स्क्वायर और इंटू आर, आर आपका क्या है 0.8, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेट ऐसे करेंगे ना 88 × 88/25 और 0.8 को आप चाहो तो 8/10 कर लो, इसकी कैलकुलेशन के बाद ये जो है आपका आंसर ये बनेगा 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो क्योंकि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है तो क्या होगा टुवार्ड्स द सेंटर, अंदर की तरफ होगा, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन की बात करें एक्सेलरेशन इस केस में जो सर्कल वाला केस होगा ऑलवेज एक्स टुवार्ड्स द सेंटर, किसकी तरफ होगा हमेशा सेंटर की तरफ होगा, ओरिजिन से आपका ये 14th क्वेश्चन कंप्लीट।